नमस्कार दोस्तों। मैंगो जो आम होते हैं, ये हमारे ट्रॉपिकल कंट्री या सब ट्रॉपिकल कंट्री में सबसे ज़्यादा सबसे पहचाने वाले फल, सबसे प्यारे फल होते हैं आम। ये साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। और ये एनाकार्डिसी फैमिली का है, और ये मेनली ग्राफ्टिंग करके, कलम लगा के, जोर कलम लगा के इसका पौधा उगाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा सक्सेस मेथड है जो हम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग, तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है। और सबसे अच्छे फल है दुनिया में, सबसे अच्छे फल हैं जो हम खाते हैं दुनिया भर में। ये बहुत प्यार से खाया जाता है, और इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में तो इसका बहुत, और भारत में, बांग्लादेश, पाकिस्तान में ये बहुत ग्रो करता है। तो और सबसे अच्छे है कॉन्टैक्ट फंजीज में, दोनों जो पौधे होते हैं कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग में, दोनों अपने रूट के साथ जुड़े होते हैं, अपने जड़ों के साथ जुड़े होते हैं। तो कोई भी पौधे के कोई भी हिस्सा काट के अपने लगाना है, ताकि दोनों पौधे जिंदे रहते हैं बोल के। इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलती है आपको कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग में, करीब करीब 100% आपके ग्राफ्टिंग लग जाते हैं। ये ज़्यादा कॉमर्शियल मेथड होते हैं। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल, और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माई पैशन, हिंदी वर्सन। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैं सुखदेवपुर बुरहानपुर में हूं, ये दक्षिण चब्बीस परगना जिला में, वेस्ट बंगाल में है। ये सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट जो ग्राफ्टिंग किया जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ किया जाता है। और बहुत सारे चीकू जो होते हैं, आम होते हैं, कटहल होते हैं, बहुत सारे फलों के पौधे यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया जाता है। और इसमें बहुत तरह के आम के जो वैरायटी होते हैं, अच्छे अच्छे आम्रपाली होते हैं, सफ़ेदा होते हैं, चौसा होते हैं, दशहरी होते हैं, या फिर अल्फेंसो होते हैं, और हिमसागर होते हैं, फजली होते हैं, बहुत जो अच्छे अच्छे तरह वैरायटी के जो आम के पौधे हैं, ये यहाँ पर ग्राफ्टिंग किया जाता है। सारे दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है ये पौधे। और ये सीडलिंग से ग्रो किया जाता है, जब ये जून का महीना होता है, जब आम आदमी आम खा के गुटी फेंक देते हैं। और ये जो मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ कैसे ये ग्राफ्टिंग करते हैं आम की, बहुत आसानी से करते हैं, और चलते हैं दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीडलिंग से, ये जो आम की गुटी हम फेंकते हैं खा के, उससे ये पौधे उगाए जाते हैं पहले। तो ये कोई भी जात के आम हो, उसकी जो गुटी होती है, उसको वो रेस्ट बेड में, मिट्टी में थोड़े ऊंची करते हैं, 6 इंची ज़मीन ऊंची करते हैं, 6 इंची या 12 इंची ज़मीन ऊंची करके, उसमें ये सारे सीड्स जो होते हैं मैंगो के, आम के जितने भी गुटलियाँ होती है, सारी इसमें उसे वो ग्रो कर देते हैं, और उसमें से पौधे निकल आते हैं। कोई भी जात का आम की गुटी हो, वो उसमें काम में लग जाएगा सारे, और ये रूट स्टॉक के हिसाब से काम आएंगे। ये एक्चुअली काम आएगा रूट स्टॉक के हिसाब से। और ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक रूट स्टॉक उगाया गया है, और जब वो ग्रो करते हैं, जब मिट्टी से उठाए जाते हैं, तो साइड से जितने इसके रूट्स हैं, पतले पतले जो रूट्स निकलते हैं, सारे ट्रिम कर देते हैं, इसका काट देते हैं, काट के इसके एक तो गोल सी पतली सी बना देते हैं। फिर उसके बाद एक 4 इंच के जो ग्रो बैग होते हैं, 4 या 5 इंच के ग्रो बैग में इसको ग्रो कर देते हैं। ग्रो करने से ये ट्रांसप्लांट हो गए पौधे, और जब ये करीब पेंसिल के आकार के हो जाते हैं, 7 या 8 महीने में, तब ये रूट स्टॉक के पौधे के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। तो और एक बार जब आप उसका ग्राफ्टिंग कर दे, तो करीब 1.5 महीना लगता है, उसका ग्राफ्टिंग बिल्कुल तैयार हो जाती है, कि आप उसको अलग से एक पौधा ग्रो कर से ग्राफ्टिंग का तैयार हो जाती है। और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये है निशिकांत सामंतो, ये इस नर्सरी के ओनर हैं। ये हमको और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये ग्राफ्टिंग, कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग किया जाता है, और बहुत जल्दी वो दिखाने जा रहे हैं आपको जी कैसे ग्राफ्टिंग करते हैं। वो बोलते हैं कि जून जुलाई महीने में जब आम खा के गुटलियाँ फेंक देते हैं, तो हम लोग सब सीडलिंग ग्रो कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारी हजारों सीडलिंग्स हम ऐसे ग्रो कर लेते हैं नर्सरी में। उसके बाद करीब 7 महीने तक हम इसको ग्रो करके रखते हैं, और ट्रांसप्लांट करते हैं। 3 महीने के बाद उसको ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, और 3 महीने के बाद उसको निकालने के बाद ग्रो बैग में इसको ग्रो कर लेते हैं। करीब 2 फीट लंबे जब पौधे हो जाते हैं, और पेंसिल के आकार के जब इसके गर्त हो जाती है इसके स्टेम में, तब इसको हम ग्राफ्टिंग में काम करते हैं। और टोटल सीड लगाने से शुरू करके ग्राफ्टिंग कंप्लीट करते करते करीब 8 महीने समय उसका लगता है। करीब 8 महीने में ये करीब हमारे ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाते हैं। और ये जो मार्च महीने में लोग शुरू करते हैं काम, और जून महीने तक ये ग्राफ्टिंग का काम चलता रहता है, और फिर उधर से जुलाई से फिर लोग सीड ग्रो करते हैं, वहाँ से फिर ग्राफ्टिंग का काम शुरू हो जाता है फिर। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, ये आपको दिखा रहे हैं जो कैसे ये ग्राफ्टिंग करते हैं। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कॉमर्शियल मेथड,
और ये निशिकांत सामंत, तो ये मदर प्लांट जो होता है वो कोई भी जो अच्छे वैरायटी का जो आम के पौधे हो तो उसको थोड़ा बेंड किया जाता है, उसके जो डाल होती है आम की डाल उसको नीचे दबा के हिला के नीचे किया जाता है, नीचे करके और इसको कोई एक तो पीन से, बम्बू पेन से उसको मिट्टी में लगा लिया जाता है। रूट के साथ जुड़ा रहता है आम, वो डाल काटते नहीं है, डाल को रूट के साथ जुड़ा रहता है वो पौधे का, सिर्फ झुका लेते हैं। और उसके बाद इसके प्राइस 60% है हम मदर प्लांट की काट लेते हैं, और हिस्सा जो है डाल का हिस्सा 60% काट लेते हैं, ग्राफ्टिंग जो नाइफ होती है उससे 60% काट लेते हैं, और जो रूट स्टॉक है उससे 40% काटते हैं। काट के बाद उसको दोनों जो कटा हुआ हिस्सा है उसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद एक मोटा सा धागा होता है, बहुत ताकतवर धागा होता है, और उससे बहुत टाइटली उसको बाइंड कर देते हैं। जो कटा हुआ हिस्सा था 2 से 3 इंच हम लोग काटते हैं, काटने के बाद उसको कटा हुआ हिस्से को वहाँ पर आपस में जोड़ लेते हैं। तो एक का तो मैंने 60% काटा, एक का 40% काटा है, तो दोनों मिला के करीब करीब सेम गर्थ का स्टेम बन जाता है, और इसको अच्छी तरह से टाइटली उसको बांध देते हैं धागे से। धागे से बांध के उसको रख देंगे, और रखने के बाद करीब ऐसे ही रहेगा ये करीब 1.5 महीना। 1.5 महीना जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो जहाँ पर कटा हुआ हिस्सा वो दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा काम तब हम लोग क्या करेंगे, उसका जो रूट स्टॉक का जो पौधा है ऊपर से जो ओरिजिनल पौधा का ऊंच ऊपर वाला हिस्सा वो काट देंगे, और जो हमारा मदर प्लांट का हिस्सा है जो हमने मदर प्लांट से लिया है वो भी उससे काट देंगे ताकि उसमें से हमारा कंप्लीट हो। तो ये हमने धागा बांध के कंप्लीट कर दिया है, और ये ग्राफ्टिंग का जो काम पूरा हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1.5 महीने बाद इसी से हम काटेंगे मदर प्लांट के ये डाल जो है हम काट लेंगे, और फिर रूट स्टॉक का हिस्सा भी काट लेंगे, ताकि हमारा एक जो डाल है डाल रह जाएगी मदर प्लांट की, और जो रूट स्टॉक रह जाएगा वो पुराना गुठली वाला आम का जो पौधा उससे लग जाए। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हजारों पौधे यहाँ पर सारे लगाए हुए हैं जो हमारे मदर प्लांट के साथ जुड़े हुए हैं सारे, और सारे ये पौधे ग्राफ्टिंग किए गए हैं, बहुत सारे जात के ग्राफ्टिंग किया है। मैं आपको दिखाता हूँ वो जो डाल पड़ी हुई मदर प्लांट के डाला वो झुकाया गया पूरा पौधे को, और यहाँ हजारों पौधे ये आम की, और 1 से 1.5 महीने बाद पूरे ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएंगे, और ये मदर प्लांट से काट लिया जाएगा। ये डाल जो है डाल से जो झुकी हुई डाल है वहाँ से वो जो जहाँ जहाँ झुकी हुई वहाँ से काट लेंगे, काटने के बाद वो एक एक पौधे आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उसको आप गार्डन में लगा देंगे। और ये बहुत जात के आम्रपली हो, दशहरी हो, चौसा हो, और लंगड़ा हो, कोई भी है, हिमसागर हो, सारे जो बेस्ट वैरायटी के आम होते हैं वो सारे यहाँ पर ग्राफ्टिंग किए जाते हैं, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ आम के खेती होती है वहाँ पर ये इसको एक्सपोर्ट करते हैं। और ये सिर्फ सीडलिंग से बनाया जाता है, और बहुत आसान तरीका है। शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन नर्सरी में 1-2 दिन देख लेंगे आप तो बहुत आसान हो जाएगा ये काम। और ये देखिए आपको 1 साल पुराना पौधा मैं दिखाता हूँ, ये ग्रो करने के बाद 1 साल बाद ये देखिए आम लग गया 1 साल में। 1 साल का पौधा जो मिट्टी में लगाने के बाद करीब 3 फुट ऊँचा हो गया, और हर एक डाल में फूल आ गया है और फ्रूट्स आ गए हैं, और ये बिल्कुल तैयार हो गए। अगर आप चाहते हैं तो इसको कंटेनर में लगा सकते हैं, करीब 16 इंच के 18 इंच का कंटेनर में इसको ग्रो कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये कहाँ से ये ग्राफ्टिंग किया हुआ है। ये जो हिस्सा है नीचे वाला से ये ग्राफ्टिंग का हिस्सा है, और यही हिस्सा है जहाँ से ग्राफ्ट किया गया है। देखिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ सारा ग्राफ्टेड हिस्सा जहाँ पर जोर लगी हुई, इसको जोर कलम कहते हैं इसको, और इस तरह से इसको हम पौधे को लगा लेते हैं। और ये जो है आपको देखते हैं, ये भी देखिए और फल आया हुआ है, सारे फूल में पौधे में फल आ गए हैं। आपको ये ऐसा पौधे से आप ग्राफ्टिंग करना है जहाँ पर फल आया हुआ है, अगर तो नहीं आया हुआ है फल तो उसमें ग्राफ्टिंग नहीं कीजिए। ये देखिए फूल आया हुआ आम का, ये तो अभी मार्च के अप्रैल का महीना है तो कुछ तो फल आ गए हैं, कुछ फूल आ रहे हैं, और बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। 2 साल बाद आपके इतने बड़े पौधे हो जाएंगे कि उसमें पूरे फूल भर जाएंगे, पूरे फल जो आम से बड़े रह जाएंगे, लद जाएंगे पूरा आम। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरा मैंने आपको समझाया कि आम के कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। उम्मीद है कि आगे चल के मैं आपको और भी भनीर ग्राफ्टिंग जो होती है इसकी, क्लिप्ट ग्राफ्टिंग जो होती है वो सब भी बारे में बताऊंगा आपको आगे आगे में, कैसे कैसे आम की ग्राफ्टिंग की जाती है। ये सुखदेवपुर में तो ये कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग का ही प्रचलन है यहाँ पर, जब से ज़्यादा ही है, और ये 100% सक्सेस भी है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और आप किसी से चाहे यार दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप
मेरा ये नया चैनल गार्डन इज माई पैसन हिंदी वर्सन सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे आगे चल के बहुत सारे पौधे के बारे में, कटिंग के बारे में, ग्राफ्टिंग के बारे में बताता रहूँगा आगे आगे चल के। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपका दिन बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आप देख रहे हैं आप, ये मैंगी फेरा इंडिका हमारे इंडियन वेराइटी है। मैंगी फेरा फोटीटा भी एक अलग जात का होते हैं, लेकिन दुनिया भर में जो पौधे किया जाता है ये मैंगी फेरा इंडिका, ये एनाकार्डी से फैमिली से है और साउथ ईस्ट एशिया से है। इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस के राष्ट्रीय फल है और बांग्लादेश।